नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। 2022 के चुनाव को लेकर हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क की टीम गांव गांव जाकर उनकी राय ले रही है कि वो किस तरीके जो है अगली सरकार चाहती है और कौन सा मुख्यमंत्री उनको पसंद है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष जगपाल जी और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि 2022 को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। सीधे बात करते हैं जिलाध्यक्ष से। जी धन्यवाद। 2022 को लेकर के आपकी क्या तैयारियां हैं, किन मुद्दों को लेकर? हमारी 2022 को लेकर पूरी तैयारियां हैं। जो ये भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, हम 30 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे और आज इन्होंने 30 रुपए लीटर पेट्रोल की 100 से ऊपर रेट कर दिया है। ये 350 रुपए की रसोई गैस को कहते थे कि महंगाई है, आज इन्होंने 900 रुपए का करने का काम किया है। जहां रेल का 2 रुपए का प्लेटफार्म टिकट था, इन्होंने 30 और 50 रुपए करने का काम किया है। इन्होंने नोटबंदी करके इस जनता को नंगा करने का काम किया है। जिन हमारी माता बहनों के पास 200, 400, 1000, 2000 रुपए के नोट थे, वो भी उनको जमा करने पड़े, जो उन्होंने अपने घर के कार्य के लिए रखे हुए थे। जहां ये कहते थे कि काला धन लाएंगे और ये 560,000 करोड़ रुपए काला धन है जो कांग्रेस के लोगों ने जमा किया है, आज 7 साल के अंदर इन्होंने 20,700 करोड़ करने का काम किया है। और इन्होंने जो काम 60-70 साल की सरकार नहीं कर सकी, इन्होंने 7 साल में 20,700 करोड़ रुपए काला धन स्विस बैंक में जमा करने का काम किया है। इन्होंने रोजगार को ख़त्म करने का काम किया है। हम नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, किसानों को बिजली सस्ती करने का काम करेंगे, गांव के लोगों को जो बिजली की महंगाई से त्रस्त है उसे कम करने का काम करेंगे। हम इस देश की कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे, अपने दलित भाइयों को साथ लेने का काम करेंगे और हमारी जो बेटियों के साथ हर तीसरे और चौथे दिन बलात्कार होता है और ये सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन तीसरे चौथे दिन बलात्कार हो जाता है, हम उसको रोकने का काम करेंगे, कानून व्यवस्था देने का काम करेंगे, किसान नौजवान मजदूर और छोटे व्यापारियों के। अच्छा, आरएलडी की अगर हम बात करें जी, आरएलडी का घर और किसान बहुल्य क्षेत्र माना जाता है जी, जी, जी। लेकिन अगर पिछले चुनाव की हम बात करें तो गठबंधन में सरकार थी, इस बार भी गठबंधन माने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के लिए केवल एक सीट छपरौली की जो है वो मिली थी राष्ट्रीय लोकदल, इस बार क्या है? ऐसा है, मुजफ्फरनगर दंगा बहुत बड़ी साजिश थी राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति को खत्म करने की। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुसलमान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मजदूर ये समझ चुका है और जान चुका है कि ये खाली बीजेपी का जो कार्य था वो राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति खत्म करने का था, इसलिए हिंदू मुस्लिम इन्होंने झगड़ा कराया।